أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم। हाजरीन और नाजरीन, ये किताब हमने पूरी कोशिश की है कि लफ्ज ब लफ्ज जो अवारिफुल मुआरिफ में लिखा हुआ है उसे आपके सामने पेश किया जाए, मगर फिर भी कोई भूल हो गई हो तो हम शेखुल शयूख हजरत शहाबुद्दीन सरकार की बारगाह में मुआफ़ी के तलबगार हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि असल किताब से मिला लें, चूँकि ये किताब काफ़ी गहरे मानी रखती है, लिहाजा आप अपने पीरो मुर्शद से बात करके बात समझने की कोशिश करें। वाज़े रहना चाहिए कि अवारिफुल मुआरिफ एक ऐसी किताब है जो लगभग हर खानकाह में पढ़ाई जाती है और साल हा साल तमाम मशाइख ने इसे अपनाया है। हिदायत देने वाली सिर्फ अल्लाह की जात है। हम दुआ करते हैं कि हजूर कायनात मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके अल्लाह हम सबको सही इल्म हासिल करने की तौफीक अता करे और हमारे जाहिर और बातिन की मुश्किलात को दूर फरमा दे, आमीन। बाब नंबर 3, उलूम सूफिया की फजीलत। उलूम सूफिया में से एक नमूने की तरफ इशारा। शेखुल इस्लाम शेख अबू अल नजीब सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह बरादियान मुतअद्दिदा हकीम के वालिद से रिवायत करते हैं कि एक शख्स सरवर आलम आली शान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और हजूर से दरियाफ्त किया कि शर क्या चीज़ है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा, मुझसे शर की बाबत सवाल न करो, मुझसे खैर की नस्बत दरियाफ्त करो। साइल से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार यही फरमाया। इसके बाद इरशाद फरमाया, शरीरों के शरीर उलमाए शरीर हैं और नेकों के नेक उलमाए नेक हैं, कि यही उल्मा उम्मत के रहनुमा, दीन के सतून, जबली जहालतों की तारीखियों के चिराग, दीवान इस्लाम के नकीब, किताब सुन्नत की हिकमतों की काने मुआवन और खलके खुदा में अल्लाह ताला के अमीन, बंदों के तबीब चारा साज, मिल्लत हनफिया के नकाद और अजीम अमानतों के उठाने वाले हैं। बस ये लोग मखलूक में ज्यादा हकदार हकायक तकवा और परहेजगारी के हैं और तमाम बंदगान खुदा से ज्यादा जहद फिद दुनिया के हाजत मंद हैं, इसलिए कि उलमा इन बातों के मोहताज अपने नफ्स के लिए भी हैं और दूसरों के लिए भी, बस इनका फसाद हो या तकवा मुतअद्दी हैं एक से दूसरे तक सरायत करने वाले। अफजल अलनास कौन है? सुफियान बिन एनिया फरमाते हैं कि आदमियों में सबसे बड़ा जाहिल वो है जिसने अमरे मालूम पर अमल तर्क कर दिया, एक बात को जानता था और इस पर अमल नहीं किया, और सबसे बड़ा आलिम वो है जिसने इस पर अमल किया, जिसका इसको इल्म हो गया, और अफजल उन्नास वो है जो अल्लाह ताला के लिए सबसे ज्यादा आजसी और फरोतनी करने वाला है। ये कौल मुहकम और सही है। इस वजह से आलिम जब अपनी मालूमात पर अमल ना करे तो वह आलिम ही नहीं हुआ। बस होशियार के ऐसे आलिम बेअमल की फजाहत बयान, ताकत लिसान, मुनाजरा और मुजादला की कुव्वत से धोखे में ना आना, इसलिए कि वो जाहिल है, आलिम नहीं है। हाँ, ये दूसरी बात है कि अल्लाह ताला इस पर अपना फजल व करम फरमाए कि इस्लाम में इल्म अपने अहल को जाया नहीं करता, और मुमकिन है कि आलिम इल्म की बरकत से अमल की तरफ पलट आए। इल्म एक फर्ज है और फजीलत भी। फर्ज तो इस एतबार से है कि इंसान को इसके जाने बगैर चारा कार नहीं, इसका जानना जरूरी है ताकि वो दीन के हक व जूब पर कायम हो सके, और फजीलत इसे कहते हैं जो कदर हाजत से ज्यादा हो। इन चीजों में से ये इंसान नफ्स में फजीलत हासिल करता है, और शर्त यह है कि जो कुछ कदर हाजत से ज्यादा हासिल हो वो किताब सुन्नत के मुवाफिक हो, और जो उलूम किताब सुन्नत और जो कुछ इन दोनों में मुस्तफाद हुआ है वो इन दोनों को समझने में मददगार हैं या इनकी तरफ मुस्तनिद हैं, तो जो कोई इन उलूम से मवाफिक ना हो ख्वा वो कैसा ही इल्म हो, इसमें जीलत है फजीलत नहीं है, इसलिए इंसान बहुत ज्यादा ख्वार होता है, और यही दुनिया व आखरत की फरमाएगी है। फर्ज उलूम को हासिल करना जरूरी है। जो उलूम के फर्ज हैं इंसान इनके जाने बगैर नहीं रह सकता, इंसान को इनका जानना जरूरी है। हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अतलबुल इल्मी वलो खाना बिल सीन, इल्म तलब करो ख्वा चीन में हो, इसके लिए मुल्क चीन ही जाना पड़े। ये हुक्म इसलिए है कि इल्म का तलब करना मुसलमान पर फर्ज है। कौन से इल्म का हासिल करना फर्ज है? उलमा ने इस सिलसिला में इख्तलाफ किया है कि वो कौन सा इल्म है जिसका हासिल करना फर्ज है। बाज अजहाब ने कहा कि वो इल्म इखलास, इल्म मारफत, आफात नफ्स और मुफसदात आमाल का है।
کے اخلاص کے لیے حکم دیا گیا ہے اور جس اخلاص کا حکم دیا گیا ہے اس کو نفس کا مکر و غرور، اس کے مقائد اور پوشیدہ خواہشیں تباہ و برباد کرتی ہیں، اس لیے اس کے تحفظ کے لیے اس کا جاننا ضروری ہو گیا۔ بس جس طرح اخلاص فرض ہے اسی طرح اس کا علم بھی فرض ہو گیا۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ معرفت، خواطر اور اس کی تفصیلات کا جاننا فرض ہے، اس لیے کہ خاطر ہی کسی فعل کی اصل اور اس کا مبدا ہے اور محل نشو و نما ہے، اور اس علم کے ذریعہ ملت ملائکہ اور ملت شیاطین میں امتیاز کیا جا سکتا ہے۔ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ نیک طینت لوگ ہیں اور یہ شیطان فطرت ہیں، اور فعل کی صحت بغیر صحبت کے نہیں ہو سکتی۔ بس ایسا علم حاصل کرنا فرض ہو گیا جو بندے کے افعال کو درست کر سکے۔ علم الوقت کی طلب۔ بعض اصحاب فرماتے ہیں کہ وہ علم علم الوقت ہے، جس کی صراحت اس قول سے ہوگی کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم الوقت یہ ہے کہ علم حال کی طلب کی جائے، یعنی اس سے وہ حکم حال مراد ہے جو دنیا و آخرت میں اس کے اور بندے کے مابین وقوع پذیر ہوتا ہے۔ بعض اصحاب کا ارشاد ہے کہ جس علم کے حاصل کرنے کا حکم ہے وہ علم باطن کا طلب کرنا ہے، کہ اس سے بندے کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ علم بھی صالحین کی مجالست اور صحبت میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ صالحین وہ ہیں جو علماء موقنی اور زہاد مقربین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا لشکر بتایا ہے، اور طالبین ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کے طریقے پر گامزن ہو کر قوت حاصل کرتے ہیں اور ان سے رشد و ہدایت پاتے ہیں، اور یہی لوگ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، جن سے علم الیقین کو حاصل کیا جا سکتا ہے، علم الیقین کی تعلیم دیتے ہیں۔ بعض اصحاب کہتے ہیں کہ وہ علم جو فرض ہے خرید و فروخت، بیع و شرع، نکاح و طلاق کا علم ہے، کہ جب ان میں سے کسی کام میں شمولیت کا ارادہ کرے، تجارت یا نکاح کا، تو اس شخص پر واجب ہے کہ اس علم کو حاصل کرے۔ بعض اکابر کا ارشاد ہے کہ صورتحال یہ ہے کہ بندہ ایک کام کرنا چاہتا ہے، اسے یہ نہیں معلوم کہ اس کام میں حق اللہ کیا ہے، حق تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی رائے سے ایسے کام کو انجام دے، اس پر عمل کرے، اس لیے کہ وہ جاہل اور ناواقف ہے اور اس کے مال و مالیہ سے آگاہ نہیں، سود و ضیاؤ حسن و قبیح کی اس کو کچھ خبر نہیں، بس اس سہو چاہیے بس اس کو چاہیے کہ وہ اس فعل میں عالم سے رجوع کرے اور اس عمل کے بارے میں دریافت کرے، تاکہ وہ اس کو بصیرت کے ساتھ جواب دے اور اپنی رائے سے عمل نہ کرے۔ یہ وہ علم ہے کہ اس کا حاصل کرنا اس حال میں فرض ہے جبکہ جہل موجود ہو۔ علم توحید کا حاصل کرنا فرض ہے۔ بعض بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ علم توحید کا حاصل کرنا فرض ہے، اور کوئی کہتا ہے نظر و استدلال فرض ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ وہ طریقہ نقل ہے یعنی علم منقول، اور بعض صوفیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سلامتی باطن، حسن قبول اور اطاعت و انقیاد کے ساتھ داخل اسلام ہے، مسلمان ہے ان صفات کے ساتھ، اور اس کے دل میں کوئی خلش یا کھٹک شبہات ہیں نہیں ہیں، تو وہ بندہ سالم ہے، اور اگر اس کے دل میں کوئی خلش یا کوئی شبہ موجود ہے یا کسی چیز سے وسوسہ پیدا ہوتا ہے جو اس کے عقیدے میں قد نقص پیدا کرنے والا ہے، یا اس کو کسی شبہ میں مبتلا کرتا ہے اور اس شبہ اور غائلہ سے وہ مامون و مسون نہیں ہے، اور اندیشہ ہے کہ یہ شبہ اور یہ غائلہ اس کو بدعت و ضلالت کے راستہ پر ڈال دے گا، تو پھر اس پر واجب ہے کہ اپنے شبہ کو ظاہر کرے اور اہل علم کی طرف رجوع کرے جو اس کو راہ راست بتائیں اور درست بات سے آگاہ کریں۔ علم فرائض پنجگانہ فرض ہے۔ شیخ ابو طالب مکی فرماتے ہیں کہ ان پانچ فرائض کا علم حاصل کرنا ضروری ہے جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور وہ تمام مسلمانوں پر فرض ہیں، اور جب ان پر عمل کو فرض کیا گیا ہے تو پھر ان کا علم بھی فرض ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ علم توحید اسی پنجگانہ فرائض میں داخل ہے، اس لیے کہ اولاً تو اس میں دو شہادتیں داخل ہیں اور اخلاص بھی داخل ہے، اس لیے کہ یہ اخلاص اسلام کی ضروریات میں سے ہے، اور صحت اسلام کے لیے علم اخلاص ضروری ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، خبر دی ہے کہ وہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ بس اس حکم کا اقتضا یہ ہے کہ کوئی مسلمان بھی اس کے علم کے بغیر نہ رہے۔ ہم اس سے پہلے جس قدر اقوال بھی اس سلسلے میں پیش کر چکے ہیں، ان میں اکثر ایسے علوم ہیں کہ مسلمان ان سے بے علم ہیں، ان علوم سے بے بہرہ ہیں، جیسے وہ علم الخواطر،
इल्मुल हाल, इल्मुल हलाल तमाम माला व माइला के साथ, और इल्मुल यकीन जो उल्माए आखिरत ही से हासिल हो सकता है। और अक्सर मुसलमान इन उलूम, इन चीजों से आगाह नहीं है। तो अगर ऐसे तमाम उलूम इन पर फर्ज होते, अक्सर मखलूक इनके हासिल करने से आजिज रहते, सवाए चंद के। बहुत ही कम लोग इन उलूम को हासिल कर सकते थे। इसलिए ये तस्लीम करना दुश्वार है कि इन उलूम का हसूल फर्ज किया गया है। इन अकवाल में मेरा झुकाव तो शेख अबू तालिब के कौल की तरफ है, जिन्होंने फरमाया कि फराइज पंचगाना का इल्म हासिल करना जरूरी है। और ये जो कौल है कि इल्म बई व शरा, निकाह व तलाक का इल्म फर्ज है, मगर इसके लिए जो इन अमूर में मशगूल होना चाहिए, तो अपनी जान की कसम इसका इल्म हासिल करना मुसलमान पर फर्ज है। और मेरे नज़दीक शेख अबू तालिब ने जो फरमाया है वो एक जामे तारीफ है इन उलूम की, जिनकी तलब फर्ज की गई है। इल्म अल मफरिज की तलब एक जामे तारीफ है। वल्लाहु आलम। अवामिर नवाही के इकसाम। मैं इस सिलसिला में कहता हूँ कि वो इल्म जिसका हसूल और जिसकी तलब हर मुसलमान पर फर्ज है, वो इल्म अवामिर नवाही है। और मुसलमान इस बात पर मामूर है कि वो जाने कि इस काम के करने में सवाब और तर्क पर अजाब है, और इसी तरह नवाही कि वो जाने कि इसके करने पर अजाब और तर्क पर सवाब है। और इन मामूरात और मिनहमात में बास तो अमर ऐसे हैं कि हर हाल में और हर वक्त इन पर अमल अजरुए अहकाम इस्लाम लाजिम है, और बाज अमूर ऐसे हैं कि अमरो नहीं को इनमें इस वक्त दखल होता है, अमरो नहीं इन पर इस वक्त नाफिज होता है, जबकि कोई अमर हादिस हो बस जो दवामी लाजिम है, जिसका हुक्म इस्लाम ने लजूम दवामी के साथ दिया है, यानी हमेशा के लिए इसका हुक्म है या ममानियत है, तो इस काम का इल्म ज़रूरत इस्लाम से है, और वो अमूर जो हादसा है और अमरो नहीं का इसमें दखल है, तो इसका इल्म भी इस वक्त फ़र्ज हो जाता है, जब ऐसे अमूर हादिस हों कि एक मुसलमान को इस इल्म से आगाही के बगैर चारा कार नहीं। और ये तारीफ इन तमाम तारीफात से जो ऊपर बयान की गई हैं ज़्यादा आम है। वल्लाहु आलम। इल्म मफरूज़ की तलब। चुनाचे मशायख सूफिया और उल्माए आखरत ने जो दुनिया से रगबत नहीं रखते, इस इल्म मफरूज़ की तलब में कोशिश शुरू की और अपनी मसाई को बरूए कार लाए, और उन्होंने इसको शनाख्त कर लिया, और उन्होंने अमरो नही को कायम किया, और बतौफी के इलाही इससे ओहदा बरा हुए। और जब वो इसमें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबाह करते हुए मुस्तकीम और साबित कदम हो गए, जैसा कि बारी ताला ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, फस्तकीम कमा उमिरता वमन ताबा माका, बस आप मुस्तकीम हो जाएं जैसा कि आपको हुक्म दिया गया, और वो भी जिसने आपके साथ तौबा की। तो अल्लाह ताला ने इनकी इस्तकामत देखते हुए इन पर उलूम के दरवाजे खोल दिए, जिसका जिक्र हम इससे कबल कर चुके हैं। बाज़ शेयख फरमाते हैं कि इस किताब इस्तकामत की ताकत सिवाय इसके और कहीं नहीं है, जिसको अल्लाह ताला ने मुशाहिदात कुदसी, अनवार ज़ाहरी और आसार सादिक से अमदाद फरमाई है, जो हर इरादा में साबित कदम है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वलौला अन सबतना का, और अगर हम तुमको साबित कदम ना रखते। ये फरमाकर मुशाहिदा और रूबरू खिताब के वक्त तहफ़ फरमाया और मुकाम कुर्ब से संवारा, और इस खिताब के मुखातिब बसात अंस पर मुतमक्किन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फस्तकिम कमा उमिरता, यानी आप इस तरह इस्तकामत करें जिस तरह के आप मामूर रिसालत हैं। अगर ये बुलंद मुकामात इरशादात रब्बानी बसिलसिला इस्तकामत ना होते, तो आप जिन अमूर के लिए मामूर हुए थे इनमें इस्तकामत नहीं फरमा सकते थे। इस्तकामत तमाम आमाल से अफसल। अबू हिफ्स रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल अफसल है, तो आपने जवाब दिया इस्तकामत, कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कायम और मुस्तकीम रहो, हालांकि तुम इसकी हिफाजत ना कर सकोगे। इमाम जाफिर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फस्तकीम कमा उमिरता के हुक्म की तफसीर में कहा कि नियाज व फ़ख्र के साथ अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो और सेहत अज़म के साथ। सालहीन कराम में से किसी ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपसे ये रिवायत की गई है कि आपने किसी मौका पर फरमाया है, सिबतनी सूरत हूद अख्वा दिया, मुझे सूरह हूद और इसकी अख्वत ने बूढ़ा कर दिया।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। ये सुनकर मैंने अर्ज किया कि क्या हजूर के बुढ़ापे का बायस सूरा हूद में बयान किए जाने वाले अंबिया के कसस और कौमों की हलाकत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं बल्कि अल्लाह ताला के इस हुक्म ने, फस्तकीम कमा उमरत, बस जिस तरह हजरत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसद्दिकात मुशाहिदात के बाद इस खिताब से मुखातिब फरमाए गए और आपको हकायक इस्तगामत से मुखातिब किया गया, इसी तरह इन उलमाए आखिरत को जो दुनिया की तरफ रागिब नहीं है और इन मशायख सूफिया को जो मुकर्रबीन है इससे बहरामंद फरमाया है और हिस्सा अता किया है और फिर इनको हक इस्तकामत से बजरिया इल्हाम आगाह फरमाया गया है कि इनमें हक इस्तकामत की अदायगी के जो इस्तादाद मौजूद हैं इस पर इस्तकामत करें। इस तरह इस्तकामत को अफजल मतलूब और अशरफ मामूर करार दिया गया है, यानी जिन अमूर पर वो मामूर हैं इनमें सबसे ज्यादा शर्फ इस्तकामत को है। तालिब इस्तकामत बन, तालिब करामत न बन। अबू अली जुज़जानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐ सूफी तालिब इस्तकामत बन, करामत का तालिब न बन। हर चंद की तेरा नफ्स करामत का ख्वाह है लेकिन तेरा रब तुझसे इस्तकामत चाहता है। और ये जो कुछ शेख अबू अली जुज़जानी ने फरमाया वो इस मसला में एक बड़ी बात और असल असूल है और एक ऐसा राज है जिससे अक्सर अहले सलूक ने गफलत बरती है। तलब करामत और ख्वाहिश करामत का सबब ये है कि तसव्वुफ में सही और इज्तिहाद और इबादत करने वालों ने सुल्फ़ सालहीन के इसरार कल्बी और इनकी करामात व खर्क आदात के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। इनको मालूम है और इन्होंने सुना है कि सुल्फ़ सालहीन से करामात और खर्क आदात सरजद होते हैं, बस इनके नफूस भी हमेशा खर्क आदत व करामत के ख्वास्तगार रहते हैं, चाहते हैं कि इनसे भी कोई करामत और खर्क आदत जाहिर हो और इस अमर की ख्वाहिश करते हैं कि जो कुछ सुल्फ सालहीन को इस सिलसिले में नसीब हुआ है इसका कुछ हिस्सा इनको भी मिल जाए। नतीजा ये होता है कि इन तालिबान करामत में से अक्सर इस बहरामंद नहीं होते और नतीजतन शिकस्ता खातिर और गमगीन होते हैं और फिर अपने नफ्स पर तोहमत रखते हैं कि हमारे अमल में दुरुस्ती नहीं है, वरना हम करामत और खर्क आदत से ज़रूर बहरामंद होते और हमसे करामत ज़रूर सरजद होती। अगर इन लोगों पर इसकी हकीकत जाहिर हो जाती कि करामत और खर्क आदत से वो क्यों बहरामंद नहीं हुए और अगर वो इस राज को पा लेते तो इनकी ये मुश्किल हल हो जाती और ये मामला दुश्वार इन पर आसान हो जाता। इस वक्त इनको मालूम हो जाता कि अल्लाह ताला खर्क आदत और करामत का दरवाज़ा कभी कभी मुज्तहदीन सादिकीन पर खोल देता है, हमेशा ऐसा नहीं होता और वो भी सिर्फ इन लोगों को ये वस्फ नसीब होता है और इससे बहरामंद होते हैं जो तलबे सादिक रखते हैं और इसकी राह में इश्तेहाद करते हैं। और हिकमत इलाहिया इसमें यह है कि वो जब खर्क आदात और करामात के सदूर को अपनी जात से मुशाहिदा करते हैं तो इनके यकीन को और तरक्की होती है और फिर तर्क दुनिया का अज़्म इनमें और कवी हो जाता है और हादसात दुनिया से निकल जाने का इरादा और पुख्तगी हासिल कर लेता है। और कभी ऐसा होता है कि इसके बाद बंदे ये मुकाशफा सिर्फ यकीन से हासिल करते हैं और इनके दिल से गैरियत व बेगानगी के पर्दे उठा दिए जाते हैं, बस इस कशफ की बदौलत वो ख्वारिक आदात के मुतालिया से बेनियाज हो जाते हैं, इसलिए कि ख्वारिक आदात से असल मकसूद व मुराद तो यकीन का हासिल होना है और जब कशफ से यकीन कुल्ली हासिल हो गया तो फिर ख्वारिक आदात की ज़रूरत कहाँ बाकी रही, और जिसको ये दौलत यकीन हासिल हो गई और फिर इसको किसी शय का कशफ हुआ तो इससे यकीन का अज़दियाद नहीं होता कि इसको तो पहले ही यकीन कुल्ली हासिल हो चुका है, बस हिकमत इलहिया इसकी मुख्ताजी नहीं है कि ऐसे शख्स को ख्वारिक आदात से कशफ कुदरत हो। क्या अब तो इसके लिए मौका इस्तगना है, वैसे अमूर से मुस्तगना है और इस तालिब करामत और खर्क आदत के लिए हिकमत इलहिया कशफ की मुक्तजा है कि वो इसका तालिब मोहताज है, कशफ व करामत का ख्वास्तगार है। बस ये दूसरा शख्स जो यकीन कुल्ली हासिल कर चुका है और जिसके लिए कशफ कुदरत की जरूरत नहीं अकमल और उत्तम है। इस्तदाद व अहलियत में इस अव्वल शख्स से जो कशफ कुदरत और खर्क आदत का ख्वास्तगार है इस वजह से कि इसको तो यकीन खालिस तमाम व कमाल हासिल हो गया बगैर इसके कि वो कशफ कुदरत का मुतालिया करे। तलब करामत व खर्क आदत में एक आफत मौजूद है और वो अजब व गुरूर की आफत है और ये जैसे यकीन कुल्ली हासिल हो गया उससे भी महफूज हो गया कि अब इसे किसी चीज़ के मुशाहिदा की हाजत नहीं। तालिब सादिक का रास्ता।
इस सूरत में तालिब सादिक का रास्ता यह है कि वो अल्लाह ताला से इस्तकामत नफ्स का ख्वास्तगार हो कि यही करामत कुल्ली है। अब अगर इस तलब इस्तकामत में भी कोई अमर ऐसा वकू पजीर हो जाए जिसको करामत या खरके आदत से ताबीर किया जा सकता है तो जायज है और मुनासिब है, और अगर ऐसी कोई बात जहूर में ना आए तो इसकी इसे कुछ फिक्र ना करना चाहिए कि इससे इसकी इस्तकामत नफ्स को कुछ नुकसान पहुँचने का खतरा नहीं है। नुकसान और खतरा सिर्फ इसी सूरत में है कि इसके हक इस्तकामत वाजबी में खलल और नक्स वाके हो। बस इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस्तकामत नफ्स तालिबीन के लिए असल असूल है। बस उलमाए जाहिद, मशायख सूफिया और मुकर्रबीन जब वाजिब हक इस्तकामत के क्याम से मुशर्रफ और मुकर्रम हो गए, इनको ये वस्फ हासिल हो गया और करामत कर दिया गया, तो फिर वो इन तमाम उलूम से बहरामंद हो गए जिनके हसूल के लिए मुतकद्दमीन ने कहा है और जिनका हम जिक्र कर चुके हैं, और उन्होंने इनके हसूल को फर्ज करार दिया है। और इन उलूम में इल्मुल हाल, इल्म कयाम और इल्म ख्वातिर सरे फहरिस्त हैं। इन सब की तफसील हम आइंदा एक खास बाब के तहत इंशाअल्लाह बयान करेंगे। इसी तरह इल्मुल यकीन, इल्मुल इखलास, इल्म नफ्स, इसकी मार्फत और इसके इखलाक का इल्म है। इल्म नफ्स और इसकी मार्फत तमाम उलूम में सबसे ज्यादा अहम, कवी और अजीज व बुजुर्ग है, और मुकर्रबीन सूफिया के मसलक में तमाम आदमियों में अक्वामुन्नास तमाम लोगों से ज्यादा बेहतर वही शख्स है जो मारफत नफ्स में सबसे ज्यादा मुमताज और अफजल आजम है। इल्म मारफत और इसका वसी दायरा। इल्म मारफत का दायरा नहायत वसी है। ये इकसाम दुनिया, हवा व हवस के दकायक, मख्फी ख्वाहिशात नफ्स, हर्स नफ्स, इल्म जरूरत व मुतालिबा नफ्स, इसकी जरूरियात से वक्फ अज कबील कौल फेल, लिबास पहनना उतारना खाना पीना और सोना, इल्म हकायक तौबा, इल्म गुनाहाने मस्तूर, इल्म सयात जो अब्रार के हसनात शुमार होते हैं, इल्म मुतालबा नफ्स गैर मतलूब के तर्क से, खतरात मासियत के रोकने से बातिन का मुतालबा, फजूल खतरात के रोकने से बातिन का मुतालबा, इल्म मुराकबा इन अशिया का इल्म जो मुराकबा में खलल अंदाज होती हैं, इल्म मुहासबा और रियायत, इल्म हकायक तवक्कुल इन चीज़ों का इल्म जो मुतवक्किल के तवक्कुल में हारिज और मखल होती हैं, और वो चीज़ें जो तवक्कुल में खलल अंदाज नहीं होती। इस तवक्कुल के जो अज़रूए ईमान वाजिब है, और इस तवक्कुल के जो ख़ास अहले इरफान के साथ मौजू है, माबैन फ़र्क इल्म, इल्म रज़ा मुकाम रज़ा की मासियत और गुनाह, इल्म ज़हद और इसका दायरा नफूज लवाजम ज़रूरत से, और इन बातों की तशरी जो इसकी हकीकत का बतला नहीं करती, इन सब का इल्म, इल्म मारफत ज़हद फिलज़ाद जहद में जो जहद पाया जाता है इसकी मारफत का इल्म, इल्म अनाबत इल्तिजा मारफत औकात दुआ इस वक्त की मारफत शनाख्त जब दुआ से सकूत करना चाहिए, इल्म मुहब्बत मुहब्बत आम जिसकी तफसीर व ताबीर इम्तिसाल अमर से की गई, और मोहब्बत खासा में फ़र्क। उलमाए दुनिया के एक गरोह ने उलमाए आखिरत की मोहब्बत खासा के दावत की तरदीद की है, जिस तरह के उन्होंने रजा से इनकार किया है और कहा है कि वो बगैर जबर के और कुछ नहीं है। मोहब्बत खासा के इकसाम, मोहब्बत ज़ात से मोहब्बत सिफात तक, मोहब्बत कल्ब और मोहब्बत रूह का फ़र्क, मोहब्बत अक्ल और मोहब्बत रूह, और मोहब्बत नफ्स मुकाम मोहब्बत व महबूब का फ़र्क बहमी, ये तमाम उलूम इसी के तहत आते हैं और इसी पर यह सिलसिला ख़त्म नहीं होता कि इसके बाद उलूम मुशाहिदात आते हैं, यानी इल्म मोहब्बत अंस कब्ज़ बस्त कब्ज़ हमम बस्त निशात का फ़र्क, इल्म फ़ना व बका अहवाल फ़ना के माबैन तफावत, इस्तितार व तजल्ली का फ़र्क, जमा व तफरीक लवाम व तवाम दबवादी का फ़र्क, सहू व शुक्र वगैरह, ये तमाम उलूम इल्म मारफत के दायरे में आते हैं। इससे तुम इसके वसत का अंदाज़ा कर सकते हो। अगर वक्त में गुंजाइश हुई तो हम इन सब की तफसील बयान करेंगे और मुतअद्दद जल्दों में शरा व बसत के साथ इनको पेश करेंगे, लेकिन अफसोस के उम्र कोता है और वक्त अजीज है। अगर गफलत शरीक हाल न होती तो वक्त तो इससे भी कम होता। बस मेरी ये मुख्तसरन तालीफ अवारिफुल मारिफ सूफिया कराम के तमाम उलूम की मताए गरा बहा को अपने अहाता में लिए हुए है। मैंने मुख्तसरन तमाम उलूम सूफिया को इस मुख्तसर किताब में पेश किया है। खुदावंद करीम से उम्मीदवार हूँ कि इससे लोगों को फ़ायदा पहुँचे और मेरे फ़ायदे के लिए इसको हुज्जत बनाए, नुकसान के लिए ना बनाए। उलूम ज़ौकी व वजदानी, ये जिस कदर उलूम मैंने बताए
इनके अलावा और उलूम हैं कि उलमाए आखरत ने इनके मुक्तदा पर अमल किया और इसी से उलमाए आखरत जहाद कामयाब व फतेहयाब हुए और ये उलमाए दुनिया तल्ब पर हराम हो गए। इन उलूम को उलूम ज़ौकिया कहते हैं और इनकी तरफ नज़र सिवाय ज़ौक व वजदान के नहीं पहुँच सकती, जिस तरह के शक्कर की मिठास का इल्म इसके वस्फ से हासिल नहीं हो सकता, जो इसको चखता है वही इसकी मिठास के वस्फ से वाकिफ होता है। इल्मे सूफिया और उल्माए जहाद का ये शर्फ बताता है और सब अलूम की तहसील दुनिया की मोहब्बत और हकायक दुनिया की खलल अंदाजी के बावजूद मुस्ताजर और दुश्वार नहीं है, बल्कि बसाओकात दुनिया की मोहब्बत इसके हसूल में ममदो मुआवन बन जाती है कि इन उलूम जहरी जहरी दुनियावी में इश्तियाल बगैर किसी ज़रूरत और सबब चूंकि शाल था, लिहाजा जाहो रिफत की मोहब्बत इंसान की सरिश्त में दाखिल की गई। और जब अहले दुनिया ने समझ लिया कि इन उलूम के हसूल से मदारिज दुनिया हासिल हो सकते हैं, तो फिर उन्होंने इनके हसूल में जहमत उठाई, शबे बेदारी को गवारा किया, मुसाफिरत की जहमतें उठाई, गुरबत इख्तियार की लज्जतों और ख्वाहिशात का ताज़ुर भी कबूल किया, इसलिए कि मदारिज दुनिया हासिल होंगे। लेकिन उलमाए आखरत और जहाद के उलूम दुनिया की मोहब्बत के साथ हासिल नहीं हो सकते, और जब तक ख्वाहिशात को तर्क नहीं किया गया इन पर इन उलूम ज़ौकिया का इंकशाफ नहीं हुआ, और इसका दर्स किसी दुनियावी मदरसा में नहीं बल्कि मदरसा तक़वा में ही मिलता है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वत्तकुल्लाहा वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, डरो तुम अल्लाह से, अल्लाह तुमको तालीम देता है। इस इरशाद से जाहिर हुआ कि अल्लाह ताला ने इल्म को तकवा की मिरास बना दिया है और इनके उलूम के अलावा जो दूसरे उलूम हैं बिला शक व शुबहा दूसरों के लिए आसान हैं, बस आखरत का फजल व कमाल जाहिर हुआ इस एतबार से कि यह फजल उलुल अलबाब के सिवा किसी को हासिल नहीं होता, और अव्वलुल अलबाब और दानिशमंद हकीकत में वही हैं जिन्होंने दुनिया की तरफ तवज्जो नहीं फरमाई। लोगों में सबसे ज्यादा दानिशमंद कौन है? बाज़ फुकहा ने कहा कि अगर कोई शख्स अपने माल के सिलसिला में ये वसीयत कर जाए कि मेरा माल सबसे ज्यादा अकलमंद शख्स को दिया जाए या इस पर खर्च किया जाए, तो फिर वह माल जाहिदों पर सर्फ किया जाए, ताकि तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा दानिशमंद वही हैं। हजरत सुहेल रहमतुल्लाह अलैह बिन अब्दुल्ला तिस्तरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अकल के हजार नाम हैं और इनमें हर एक नाम से फिर हजार नाम हैं और हर नाम का आगाज तर्क दुनिया से होता है। शेखुल साले अबुल फतूह मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी ने हजरत अब्दुल्ला ख्वास से, जो हजरत हातिम इस्म के हमराहियों में से हैं, रिवायत की है कि उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मैं अबू अब्दुर्रहमान हातिम इस्म के हमरा शहर रे में पहुंचा। इस वक्त इनके साथ 320 अफराद थे और सबका इरादा हज बैतुल्लाह का था। ये सब हजरात कंबल और जुब्बा पहने हुए थे, ना तोशादान साथ था और ना कुछ खाने पीने का सामान हमरा था। हम इस शहर रे में एक सौदागर के यहाँ उतरे, ये सौदागर भी एक आबिद दरवेश थे। हम सब लोगों की उन्होंने रात को दावत की। जब सुबह हुई तो उन्होंने शेख हातिम इस्म रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि ए अबू अब्दुर्रहमान, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो, मैं फराहम कर दूंगा। मैं एक फकीह की आयादत के लिए जाना चाहता हूँ कि वो अरसा से बीमार है। शेख ने फरमाया, अगर फकीह दोस्त बीमार है तो इसकी बीमार पुरसी आयादत हमारे लिए मौजब फजल है और फकीह को देखना भी इबादत में दाखिल है, बस मैं भी तुम्हारे साथ उनकी आयादत को चलता हूँ। ये अलील फकीह मोहम्मद बिन मुकातिल काजी शहर रे थे। चुनाचे हम सुदागर के साथ इनके यहाँ पहुँचे। इनका मकान बड़ा आलीशान था, बुलंदोबाला दरवाज़ा था। हातिम इस्म इस ऊंचे दरवाजे को देखकर ठिठक कर रह गए और कुछ देर मुतफक्कर रहने के बाद कहने लगे कि आलिम का दरवाज़ा और इस कदर बुलंदोबाला। जब सबको मकान के अंदर जाने की इजाज़त मिली तो देखा कि मकान के अंदर बहुत नफीस फर्श बिछा है, पर्दे पड़े हैं, नौकर चाकर खिदमत में मसरूफ़ हैं और बहुत से लोग बग़र्ज मुलाकात व अयादत जमा हैं। कि देखकर हातिम इस्म फिर फिक्र में डूब गए। कुछ देर तवक्कुफ करके इस दालान की तरफ बढ़े जहां काजी साहब फराश थे। इस मजलस में पहुंच कर देखा तो नफीस फर्श यहां भी बिछे थे और काजी साहब इन नफीस फराश पर इस्तराहत फरमा रहे थे और इनके सरहाने एक मर्द मोरछल हाथ में लिए झल रहा था। इस्म के दोस्त सुदागरे तो फकीह के पास बैठ गए, लेकिन हातिम इस्म इसी तरह खड़े रहे।
इब्ने मकातल ने इनसे इशारे से कहा, बैठ जाओ। हाथ में इस्म ने कहा, नहीं मैं नहीं बैठूंगा। तब इब्ने मकातल ने कहा कि क्या तुमको किसी चीज की जरूरत है? हाथ में इस्म ने कहा, हाँ। इब्ने मकातल ने कहा, कहो क्या हाजत है? हातिम इस्म ने कहा कि आपसे एक सवाल दरियाफ्त करना चाहता हूँ। इब्ने मुकातल ने कहा, पूछो क्या पूछना है? हातिम ने कहा कि पहले आप उठकर बैठ जाएं, तब मैं आपसे सवाल दरियाफ्त करूंगा। बस इब्ने मुकातल ने हुक्म दिया और इनके लिए तकिया लगा दिया गया। तब हातिम ने इनसे कहा, क्या आपने ये इल्म कहाँ से हासिल किया है? उन्होंने कहा कि मैंने सकत से हासिल किया है, इन लोगों से जो सका थे। हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि उन्होंने किससे हासिल किया? इब्ने मुकातल ने कहा कि उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से हासिल किया था। हातिम ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो इल्म कहां से हासिल हुआ? इब्ने मुकातल ने कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम से। ये सुनकर हातिम ने कहा कि ए फकीर, वो चीज जिसको जिब्रील अल्लाह से लाए और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने इसहाबे कराम रज़ियल्लाह अन्हों तक पहुंचाया और इसहाबे रसूल ने सिका मुसलमानों तक पहुंचाया और इन सिका हजरात ने आपसे बयान किया, तो क्या तुमने इन हजरात से कभी यह सुना कि जो शख्स अपने घर में अमीर हो और इसके बहुत से नौकर चाकर हों? अल्लाह के यहाँ भी इसकी यही मंजिलत और शान होगी। जिस तरह दुनिया में कसरत माल रखता हो और अल्लाह के यहाँ मर्तबा में वो बुलंद होगा। इब्ने मकातल ने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं सुना। हातिम ने कहा कि फिर किस तरह सुना है? तो इब्ने मकातल ने कहा कि मैंने ये सुना है कि जिस शख्स ने दुनिया से जहद किया, किनारा कश रहा और आखरत में रगबत की और मसाकीन को दोस्त रखा और आखरत के लिए तोशा पहले से भेज दिया, अल्लाह के नज़दीक इसका रुतबा ज्यादा है। ये सुनकर हातिम ने कहा कि ए फकीर, फिर आपने इसकी इक्तदा और पैरवी की? आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके असहाब और सालेहीन की या फिर औन नमरूद की पैरवी की, जिन्होंने सबसे पहले चूने और ईंटों से आलीशान इमारतें और महल तामीर कराए? ए दुनिया परस्त आलिमो, ए उलमाए सो, तुम ऐसे लोगों को अगर कोई जाहिल तालिब दुनिया परस्त देखेगा तो यही कहेगा कि आलिम, और इस हाल में मैं तलबे दुनिया में इस आलिम से बरतर नहीं हूँ। ये कहकर हातिम इस्म रहमतुल्लाह अलैह इब्ने मकातल के पास से चले आए। इब्ने मकातल हातिम इस्म की इस तकरीर से हैरान रह गए। फकीह तनाफसी से एक सवाल। शदा ये खबर अहले रे को पहुंची कि हातिम इस्म रहमतुल्लाह अलैह और इब्ने मकातल में इस किस्म की गुफ्तगू हुई है, तो लोगों ने इनसे कहा कि ए अबू अब्दुर्रहमान, हातिम इस्म रहमतुल्लाह अलैह, कज़वीन में एक बहुत ही जबरदस्त आलिम मौजूद है, आप इनसे मिलिए। लोगों का इशारा कज़वीन के आलिम तनाफसी की जानिब था। हातिम इस्म रहमतुल्लाह अलैह कज़वीन में मिलने पहुंचे और बरवक्ते मुलाकात इनसे कहा कि अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए, एक अजमी शख्स हूं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे दीन की सबसे पहली बात सिखाएं जो मेरी नमाज की कुंजी है और बतलाएं कि मैं वजू किस तरह करूं। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। फिर अपने गुलाम से कहा कि पानी लाओ। गुलाम एक बर्तन में पानी लेकर आया और हातिम इस्म रहमतुल्लाह अलैह वजू के लिए बैठ गए। फिर उन्होंने तीन तीन दफा अमल किया, यानी हाथ धोए, कुल्ली की, नाक में पानी चढ़ाया। फिर जब कोहनियों तक हाथ धोने का नंबर आया तो उन्होंने दोनों हाथों को कोहनियों तक चार बार धोया। तनाफसी ने कहा कि तुमने एक चुल्लू पानी का इसराफ किया। हातिम ने कहा कि मैंने एक चुल्लू पानी का इसराफ किया और आपकी ये शान और शौकत इसराफ नहीं है। तनाफसी समझ गए कि इसका इरादा कुछ सीखने का नहीं था बल्कि मुझ पर तंज करना था, और शर्मिंदगी से घर के अंदर चले गए और 40 रोज तक बाहर ना निकले और ना लोगों से मुलाकात की। हातिम इस्म रहमतुल्लाह अलैह की तीन खसलतें। यहाँ से हातिम इस्म रहमतुल्लाह अलैह बगदाद पहुंचे तो अहले बगदाद जौक दर जौक इनके पास आए। किसी ने इनसे दरियाफ्त किया कि अबू अब्दुर्रहमान, तुम एक अजमी गैर फसीह शख्स हो और तुम्हारी हालत है कि जो कोई तुमसे कलाम करता है तो इसको आजिज कर देते हो, ये क्या बात है? उन्होंने जवाब दिया कि मुझ में तीन खसलतें हैं जिनकी कुव्वत से मैं अपने दुश्मन पर गालिब आ जाता हूँ। इनसे दरियाफ्त किया कि वो कौन सी खसलतें हैं, तो उन्होंने कहा कि एक ये कि जब मेरा दुश्मन अपने मकसद में कामयाब होता है तो मैं खुश होता हूँ और जब वो खता करता है तो मैं रंजीदा होता हूँ, और तीसरे ये कि मैं अपने नफ्स की हिफाजत इससे करता हूँ कि जहालत इस पर गालिब आए, जहालत को नफ्स पर गालिब नहीं आने देता। हातिम इस्म रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल हजरत अहमद बिन जंबल रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंचा तो उन्होंने कहा कि सुभान अल्लाह, ये शख्स किस कदर अक्लमंद है। फिर वो हातिम इस्म रहमतुल्लाह अलैह से मिलने आए और उन्होंने कहा कि अबू अब्दुर्रहमान, दुनिया से सलामती क्या है? हातिम इस्म ने कहा, ए अबू अब्दुल्ला,
हजरत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह बिन जंबल की कीनत। दुनिया से तुमको सलामती इस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक ये चार खसलतें तुम्हारे अंदर ना हों। उन्होंने कहा, वो कौन सी हैं? हातिम इस्म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अव्वल ये है कि अगर लोग जहालत करें तो इनसे दरगुजर करो, तुम्हारे साथ जहालत का बर्ताव करें तो तुम दरगुजर करो, और अपनी जहालत से इनको बाज रखो, अपना जहल इनसे मत बरतो, और इनके लिए अपनी कोई चीज़ खर्च करो, और इनसे किसी चीज़ के हसूल की तवक्को न रखो। जब जाहिलों के साथ अहले दुनिया के साथ तुम्हारा बर्ताव ऐसा हो जाएगा तो तुम दुनिया से सलामती के साथ निकल जाओगे। फिर वो बगदाद से मदीना मुनव्वरा चले आए। अल्लाह ताला से डरने वाले लोग। अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नमा यख्शिल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से वही बंदे डरते हैं जो आलिम हैं। इस इरशाद रब्बानी में उलमा का जिक्र इन्नमा के हुक्म के साथ किया गया है। इससे साबित होता है कि जो अल्लाह से नहीं डरते इनसे इल्म का इंतफा नहीं होता। मैं यहाँ एक मिसाल पेश करता हूँ कि एक शख्स ने जिस वक्त ये कहा कि इन्नमा यदखुलुद्दार बगदादियुन, इसके मानी ये हुए कि गैर बगदादी को घर में दाखिल होना मना है, या सिवाय बगदादी के किसी दूसरे का घर में आना फतफी है। बस उलमाए आखिरत के लिए यह बात वाज़ेह हो गई कि ज़हद तक्वा के बगैर मुकामात क़ुर्ब और मवाक़े इरफान तक राह नहीं मिल सकती। ज़हद और तक्वा के बगैर ये रास्ते मसदूद हैं। हज़रत अबू यज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अहबाब से फरमाया कि कल रात मैं सुबह तक कोशिश करता रहा कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहूँ, लेकिन मैं इसके कहने पर कादिर ना हो सका। अहबाब ने दरियाफ्त किया कि यह कैसे हुआ। उन्होंने फरमाया कि लड़कपन में मैंने एक कलमा था, तो अब इस कलमा की वहशत ने मुझे आ लिया और इस कलमा के कहने से मुझे रोक दिया, और मुझे इस शख्स से हैरत हुई है जो अल्लाह ताला का जिक्र करता है और वो किसी शय के साथ इसकी सिफात से मुत्तसिफ है। सफाए तकवा और दुनिया से बेरगबती से इल्म रासिख होता है। बस ये बात याद रखना चाहिए कि सफाए तकवा और दुनिया से कमाल दर्जा बेरगबती रखने ही से बंदा इल्म में रासिख होता है। वास्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म में रासिख वही लोग हैं जो अपनी अरवाह के साथ गैबुल गैब में राजों के राज से रासिख हो गए। बस हर किस नाकिस इनको नहीं पहचान सकता, इनको बस वही पहचान सकते हैं जो इस शनाख्त की सलाहियत अहलियत रखते हैं। ये हजरात अल रासिखून फिल इल्म वो हैं जो फहम के साथ दरियाए इल्म में डूब गए ताकि तरक्की हासिल करें। इस वक्त इनके लिए जमा शुदा खजाने इल्म मार्फत के खुल गए। इन खजानों के हर एक हर्फ के नीचे कलाम और खिताब के अजायबात फहम मौजूद थे। फिर इस आगही के बाद हाकिम के साथ गुफ्तगू की गई। जब इन रासिखों फिल इल्म के फहम ने इन जमा शुदा खजानों की मार्फत हासिल कर ली, जहां अजायबात फहम की एक कायनात मौजूद थी, इस वक्त फिर वो मामूर हुए, इनको हुक्म दिया गया। बाद सूफिया कबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रासिख वो शख्स है जो खिताब के महल मुराद से वाकिफ हो, यानी खिताब का महल मुराद क्या है और इसका मंशाए खिताब क्या है। शेख फराज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो तमाम उलूम में कामिल हैं और तमाम उलूम की मार्फत से बहरावर हैं। इस तरह वो तमाम खलाइक की हिम्मतों से आगाह हुए। शेख अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह का इस सिलसिला में जो कौल है उससे ये मुराद नहीं है कि रासिखुल इल्म को तमाम जुज़ियात उलूम से भी आगाह होना चाहिए, हरचंद कि उन्होंने तमाम उलूम में कमाल हासिल कर लिया है और वह तमाम खलाइक की हिम्मतों से आगाह हो चुके हैं। और ये कौल जो अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह का है, इसमें ये मुराद नहीं रासिख फिल इल्म को लाजिम है कि तमाम उलूम के जुज़ियात से भी आगाही रखता हो और इन उलूम पर पूरा कमाल और अबूर रखता हो, इसलिए कि हज़रत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रासिखीन फिल इल्म से थे। इस पर भी उन्होंने अल्लाह ताला के इस इरशाद के मानी में तवक्फ किया, फाकिहतुम व अब्बा, तरह तरह के मेवे और घास, और फरमाया अब क्या चीज़ है, फिर खुद ही कहा ये बजुज तकलीफ और कुछ नहीं। बाज बुजुर्गों से मनकूल है कि अब के मानी ये तवक्फ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हों ने फरमाया था, ना कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हों ने। बस इस इल्म से हजरत अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह की मुराद तमाम जुज़ियात का इल्म नहीं, बल्कि इनकी मुराद वही है जो इससे कबल बयान कर चुके हैं, अतलाउ अला हुमुल खलाइक कुल्लुहुम अजमाइन, इसलिए कि मुत्तकी ने तकवा के हक का और जाहिद ने जाहिद के हक का इस बात कर दिया, जिससे इसका बातिन ज़ाफ और कल्ब का आईना रोशन हो गया और लोहे महफूज से किसी कदर इसका आमना सामना हो गया, और इसने अपनी सिफाए बातिन से उलूम उसूल उलूम का इदराक कर लिया। बस उलूम में उलमा का जो मुंतहाए इकदाम हो सकता है, यानी उलमा
उलूम में जिस हद तक जा सकते हैं और जहां तक पहुंच सकते हैं इससे वो वाकिफ है, और इस तरह कुल इल्म का फायदा इसको हासिल है। अब इल्म जुजिया से अदम आगाही के सिलसिले में कहा जा सकता है कि उलूम जुजिया तालीम और ममारशत से नफूस इंसानी में मुनकसिम हैं। इन उलूम कुल्ली ने इनको इस अमर से मुस्तगना कर दिया है कि वह जुजियात की तरफ तवज्जो करें और इनमें मशगूल रहें, और साफ जाहिर है कि जुजी कुल्ली को मुनकता नहीं कर सकता। यानी अगर इल्म जुजी हासिल नहीं हो तो इसको इस अमर की दलील नहीं बनाया जा सकता कि चूंकि इल्म जुजी हासिल नहीं इसलिए इल्म कुल्ली भी हासिल नहीं, या इसके अहल तो वही हैं जो इसके ज़रूफ़ हैं। बस इन लोगों के ज़रूफ नफूस इन जुजियात से भर गए और इसी में मशगूल होकर रह गए। इस तरह जुजी के सबब वो कुल्ली से मुनकता और अलग हो गए। उलमाए जहद के नफूस, उलमाए जाहिदीन के नफूस ने असल दीन की जो ज़रूरी चीज़ें थीं और जिसकी बुनियाद शरा पर रखी गई थी अखज़ करने के बाद अल्लाह ताला की तरफ रुख किया, अशिया से कत ताल्लुक कर लिया, तो इस वक्त इनकी अरवाह कुर्ब इलाही के मुकाम से वासिल हो गईं। इस वक्त इन अरवाह ने जो मुकाम कुर्ब से इत्तिसाल पा चुकी थीं इनके दिलों पर अनवार पहुँचाए, जिसके बायस वो कुलूब अदरा के उलूम के लिए आमादा और साहिब इस्तादाद बन गए। बस इनकी अरवाह ने आलम अजली की तवज्जो के बायस अदरा के उलूम की हद से कदम आगे बढ़ाया, और इस दम वो ऐसे वजूद से मुजर्रद और मुनफरिद हो गईं जो इल्म के लिए ज़र्फियत की सलाहियत रखता था। और इस वक्त इनके कुलूब इनकी नस्बत के बायस जो इनको अपने नफूस के साथ है ज़रूफ़ वजूदी बन गए। अब ये कुलूब उलूम से और उलूम इन कुलूब से बाहम मिलजुल गए। उलूम का ये ताइफ इस इत्तिसाल उलूम की मुनासबत से है जो लौह महफूज से इत्तिसाल के नतीजा से पैदा हुआ। यहाँ ये बात याद रखना चाहिए कि इत्तिसाल के मानी यहाँ सिर्फ ये हैं कि इनका इंतकाश लौह महफूज में है और किसी दूसरे में नहीं, और कुलूब का इत्तिसाल मुकाम अरवाह से ये मानी रखता है कि कुलूब का इंजजाब नफूस की तरफ होता है। बस इन दोनों मुत्तसिल होने वालों यानी कुलूब और उलूम में एक नस्बत इश्तराक मौजूद है। यही नस्बत इश्तराक इम्तजाज और ताइफ का मौजब है। जब ये इम्तजाज और ताइफ पैदा हुआ तो उलूम खुद ब खुद हासिल हो गए और आलिम रब्बानी इस तरह रासिख फिल इल्म हो गया। इल्म तुम्हारे कुलूब में रखा गया है। अल्लाह ताला ने बाज़ किताब समावा में बनी इसराइल की तरफ वही फरमाई कि ऐ बनी इसराइल, तुम ये मत कहो कि आलिम आसमान से इल्म कौन उतारे, ना ये कि जमीन के अतराफ और किनारों में से इसको कौन चढ़ाए, और ना ये कहो कि दरियाओं के पास इस पार से कौन उतर कर जाए कि इसको लेकर आए। इल्म तो तुम्हारे दिलों में रखा गया है। फरिश्तों के आदाब की तरह मेरे सामने अदब करो और सिदकैन के अखलाक के साथ मेरे हजूर आओ, मैं तुम्हारे कुलूब को इल्म से भर दूंगा, यहां तक कि वो तुमको छुपा लेगा बल्कि तुमको इसमें दबा लेगा। बस इस शख्स के लिए फरिश्तों के आदाब से मुअद्दिब होना, नफ्स को इसके तबी अमूर की ख्वाहिशात से बाज रखना और तमाम अफाल कौल फैली से इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देना दुरुस्त और मौजू है, जिसने जाना और कुर्ब हासिल किया और हक सुबहाना ताला के सामने हजूरी का रास्ता पाया। बस ऐसा शख्स हक के वास्ते हक के साथ महफूज होता है। जो चीज़ तुम नहीं जानते इसका इल्म तलब करो। शेख अबू अल खुबैब सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह से मुझे ये खबर पहुंची है कि उन्होंने बरवायत अल औज़ाई हस्सान बिन अदिया से ये सुना कि शद्दाद बिन अवज रजी अल्लाह ताला अन्हो दुरान सफर एक मंजिल पर उतरे और फरमाया कि दस्तरखान हमारे सामने लाओ ताकि हम इससे बाजी करें, दिल बहलाएं। लोगों ने ये बात इनसे सुनकर कराहत का इजहार किया कि दस्तरखान से भी कोई बाजी करता है। इस वक्त उन्होंने फरमाया, जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ मैंने कोई बात जुबान से नहीं निकाली कि मैंने इसको मुहार लगाम ना लगाई हो। एक लगाम लगाने के बाद दूसरी लगाम लगाता हूँ, तुम इसके बायस मेरे ऊपर खफगी का इजहार ना करो। बस यही मिसाल है कि फरिश्तों के आदाब से अदब हासिल करता है। इंजील में आया है कि तुमको जिसका इल्म ना हो इसका इल्म तलब करो, लेकिन जब तक तुम इस पर अमल ना कर लो जो कुछ जानते हो। इसी तरह एक हदीस में आया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल शैतान रब्बी मा यसूफकुम बिल इल्म, शैतान अक्सर इल्म में तुम पर सबकत ले गया है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह ये किस तरह कि वो हमसे इल्म में सबकत ले गया है? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकूलु तलबुल इल्मी वला नअमल हत्ता तालमू, वो कहता है कि इल्म तलब कर और अमल न कर
यहाँ तक कि तू इल्म हासिल ना कर ले। इसलिए बंदा हमेशा इल्म ही हासिल करता है और अमल को टालता रहता है, यहाँ तक कि मर जाए और अमल ना किया। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इल्म कसरत रिवायत से नहीं, कसरत रिवायत का नाम इल्म नहीं है बल्कि इल्म नाम है खौफ का। और हसन कहते हैं कि यकीनन अल्लाह ताला साहिब इल्म व साहिब रिवायत की परवाह नहीं करता, अगर परवाह करता है तो फहम व साहिब दरायत की करता है। तमाम उलूम विरासत उलूम दरायत से निकले हैं। उलूम दरायत खालिस दूध की मिसाल हैं जो पीने वालों के हल्क से बासानी उतर जाता है, और उलूम विरासत की मिसाल मक्खन की है जो खालिस दूध से निकलता है, अगर दूध ना हो तो मक्खन ही ना होगा। मक्खन एक किस्म की चिकनाई है जो दूध से मतलूब होती है, और यूं पानी और दूध अपनी माइत पानीपन में एक हैं, लेकिन दूध के साथ रूह हनीयत चिकनाई कायम है और पानीपन के साथ इसका कवाम और राबित है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वजअल्ला मिनल माई कुल्ला शैई हई, और पानी से हमने हर एक शय को जिंदा किया। मजीद इरशाद फरमाया, अवमन काना मैतन फअहयैनहू, भला वो शख्स मुर्दा था फिर इसको हमने जिंदा किया, यानी वो अपने कुफर के बायस मुर्दा था फिर इस्लाम से इसको जिंदा किया, तो इस्लाम से जिंदगी बख्शाना वही कवाम अव्वल है और असल अव्वल है। इस्लाम के लिए बहुत से उलूम हैं और इन्हीं का नाम है मबाई इस्लाम के उलूम। इस्लाम ईमानी के बाद सिर्फ तस्दीक के एतबार से है, और जब ईमान इस्लाम के साथ मुतहक्किक हो गया तो इसके बहुत से फरो हैं और इसके बहुत से मरातिब हैं, जैसे इल्मुल यकीन और हक़ुल यकीन, ये सब मरातिब ईमान हैं। ये अल्फाज और मरातिब कभी कभी तौहीद मारफत और मुशाहिदा के लिए इस्तेमाल होते हैं। उलूमुल लिसान और उलूमुल ईमान, जैसा कि हमने अभी बयान किया कि ईमान के लिए बहुत से फरो हैं, इन फरो में से हर फरा के बहुत से उलूम हैं, बस उलूमुल इस्लाम उलूमुल लिसान हैं और उलूमुल ईमान उलूमुल क़ुलूब हैं। इस तरह इनके लिए वस्फ़ आम और वस्फ़ खास हैं। इनकी दो तरह से तारीफ की जाती है, बल्फाज दीगर सिफ़ आम को इल्मुल यकीन कहा जाता है, और इस इल्मुल यकीन तक कभी तो बहस व इस्तदलाल से पहुंचा जा सकता है, और इस खसूसियत में यानी बहस व इस्तदलाल में उलमाए दुनिया उलमाए आखिरत के साथ शरीक हैं, लेकिन वस्फ़ खास सिर्फ उलमाए आखिरत के साथ मखसूस हैं, उलमाए दुनिया इसमें शरीक नहीं है। ये वस्फ़ खास वो सकीना सुकून व तमानियत है जो मोमिनीन के कलूब पर अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होता है, जिससे इनके ईमान और ज़्यादा ईमान पजीर होते हैं, ईमान में इजाफा होता है। इससे साबित हुआ कि इसमें ईमान अपने वस्फ़ खास के साथ तमाम मरातिब ईमान को मुश्तमिल है और वस्फ़ आम के साथ मुश्तमिल नहीं है। इस तरह वस्फ़ आम के एतबार से यकीन और इसके तमाम मरातिब ज़ायद अज़ ईमान हैं, और मुशाहिदा यकीन के वस्फ़ खास में दाखिल हैं, और इसका नाम ऐनुल यकीन है। और जब यही ऐनुल यकीन वस्फ़ खास के साथ मुख्तस होता है तो फिर वो हक़ुल यकीन बन जाता है। इससे साबित हुआ कि हक़ुल यकीन इस वक्त मुशाहदा से बढ़ जाता है, कि हक़ुल यकीन का मुकाम और मुस्तकर आखिरत है, और दुनिया में तो जो इसके अहल हैं इनको सिर्फ इसका एक लम्हा एक किरण मुयसर आता है, कुल नहीं। और यह हक़ुल यकीन इल्म इलाहिया के तमाम अक़साम में सबसे ज़्यादा बुलंद और अफजल है, कि इसका वजदान इल्म सूफिया और जहदान जे इल्म के एतबार से इन उलमाए दुनिया के इल्म के मुकाबले में जो बहस व नज़र और इस्तदलाल से दर्जा यकीन को पहुँचे हैं, इस चीज़ की मिसाल है जिसका जिक्र हम विरासत व दरायत में कर आए हैं। गोया इनका इल्म दूध की मिसाल है जिसे हम यकीन व ईमान से ताबीर कर सकते हैं कि असल वही है, और इल्म सूफिया का अल्लाह ताला की तरफ मुकामात मुशाहदा से है। सूफिया कराम अपने इल्म से मुकामात मुशाहदा से बहरावर होते हैं, और ऐनुल यकीन व हक़ुल यकीन मस्का मक्खन की मानंद है जो दूध से हासिल किया गया है। इससे साबित हुआ कि सूफिया कराम का इल्म उलमाए दुनिया के इल्म से बदरजहा बुलंद है, कि इन उलमाए दुनिया के इल्म से सिर्फ इल्मुल यकीन हासिल होता है, हरचंद के असल ईमान यही है, लेकिन सूफिया कराम के इल्म मुशाहदात की बदौलत इल्मुल यकीन के मर्तबा से बढ़कर ऐनुल यकीन और हक़ुल यकीन की मंजिल पर पहुंच जाता है जो इल्मुल यकीन से बमुरातिब बुलंद है। इल्म की फजीलत से ईमान की फजीलत, जो कुछ हमने साबिक में बयान किया है इससे जाहिर है कि ईमान की फजीलत इल्म की फजीलत से है। जिस कदर इल्म अफजल वाला होगा
इसी कदर ईमान अपनी फजीलत के एतबार से बुलंद होगा। ज़रानत आमाल, पुख्तगी और इसका वक़ार तो बस इसी कदर है कि जितना हिस्सा इल्म का हासिल किया है। हदीस शरीफ में वारिद है, फजलुल आलिम अलिल आबिद कफजल अली उम्मती। आलिम को इस तरह आबिद पर फजीलत हासिल है जिस तरह मुझे अपनी उम्मत पर फजीलत हासिल है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस इल्म की तरफ इशारा फरमाया है वो बेअशरा इत्तलाक व अत्ताक का इल्म नहीं है, बल्कि हुजूर का इशारा इल्म बे अल्लाह, वो इल्म जिससे मारफत इलाही हासिल हो और कुव्वत यकीन की तरफ है। और कभी ऐसा भी होता है कि बंदा आलिम बे अल्लाह होता है और इसकी बदौलत साहिब यकीन कामिल, लेकिन इसके पास फ़र्ज किफ़ायात का इल्म नहीं होता। और कभी ऐसा भी होता है कि बंदा आलिम बे अल्लाह होता है और इसकी बदौलत साहिब यकीन काबिल, लेकिन इसके पास फ़र्ज किफ़ायात का इल्म नहीं होता। जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबे गरामी रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन उलमाए ताबेइन रज़ियल्लाह अन्हो से कहीं ज़्यादा आलिम और साहिबान यकीन कामिल थे। हकायक यकीन और वक़ाए के मार्फत, हकायक यकीन और वक़ाए के मार्फत से पूरी पूरी आगही रखते थे। और उलमाए ताबेइन में कुछ ऐसे हजरात मौजूद थे जो इल्म फतवा और अहकाम के अंदर बाज की नस्बत बड़ी अजीम और इस्तवार थी। चुनाची रिवायत है कि जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से कोई मसला दरियाफ्त किया जाता तो आप फरमा देते कि हज़रत सईद इब्नुल मुसैब रज़ी अल्लाह अन्हों से दरियाफ्त करो। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह इबन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हों फरमा दिया करते थे कि हज़रत जाबिर बिन रज़ी अल्लाह अन्हों अब्दुल्लाह से मालूम करो, अगर अहले बसरा इनके फतवे पर अमल करें तो रुख्सत है। इसी तरह हज़रत अंस बिन मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हमारे आका हसन रज़ी अल्लाह अन्हों से दरियाफ्त करो, इसलिए कि इनका इल्म ताज़ा है और हम भूल गए हैं। तो इन सहाबा कराम की यह हालत थी कि वो इल्म फतवा और अहकाम में लोगों को ताबईन की तरफ रुजू करने के लिए फरमा देते थे। हालांकि ये असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ताबईन हजरात को हकायक यकीन और वक़ाए के मार्फत सिखाया करते थे। ये बात इस वजह से थी कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हो वक़ाए के मार्फत और हकायक में ताबईन हजरात से ज्यादा कवि और आलम थे कि वही मंजिल की तरावत से मार्फत रखते थे। वही इलाही का इनके सामने नजूल होता था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही आती इससे असहाब को आगाह फरमाया करते थे और ताबईन को यह शर्फ हासिल नहीं था। इससे साबित हुआ कि अगर साहिब यकीन कामिल के पास फरूज किफायत का इल्म नहीं तो वो इसके ऐनुल यकीन के मुनाफी नहीं है और ना इसके मर्तबा में इससे कुछ तनज़ुल वाक़े होता है। और कसरत व वफूर इल्म मुजमिल मुफस्सिल बदून इल्म मजमल के हासिल किया। और सूरत हाल ये है कि मजमल असल इल्म है और इस मजमल का मुफस्सिल तो तहारत कुलूब और क़ुव्वत अज़ीज़ी और कमाल इस्तादाद के लिए हासिल किया गया। और ये इल्म मुफस्सिल ख़वास के साथ मखसूस है। बाज क़ुलूब में कबूल दावत की सलाहियत मौजूद है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दावत इस्लाम के सिलसिला में इरशाद फरमाया के उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमती वल मौइज़तिल हसनती वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। ऐ रसूल, आप इन मुशरकीन को अपने परवरदिगार की राह पर बुलाइए अच्छी नसीहत के साथ और इनके साथ ऐसे बहस कीजिए जो नेक हो। मजीद इरशाद फरमाया उदउ इलल्लाहि अलैहि बसीरा, आप फरमा दीजिए कि ये मेरा रास्ता है, मैं तुमको अल्लाह की तरफ बसीरत से बुलाता हूँ। मखलूक के दिल इन दावतों के कबूल करने और इन राहों पर गामजन होने की सलाहियत के काबिल हैं, लेकिन इनमें से बाज़ नफूस सरकश और जामिद हैं कि वो अपनी तबीयत और जबिलत की गिरफ्तगी और खशूनत के बायस इसी पर कायम हैं। बस ऐसे कलूब को तख़वीफ़ व वईद की आग से पिघलाया और वाज़ो तरबियत से नरम किया। बाज़ नफूस इनमें पाक व साफ और पाक मट्टी से बने हुए हैं और वो कलूब भी ज़्यादा पाक होते हैं। बस ऐसे शख्स को जिसका नफ्स इसके कलब का मुआवन व मददगार है वाज़ो नसीहत के ज़रिया बुलाया जाता है, और ऐसा शख्स जिसका कल्ब इसके नफ्स का मुइन व मददगार हो इसको हुकूमत के साथ तलब किया जाता है। बस जो दावत पंदो वाज से थी इसको अब्रार ने कबूल कर लिया और ये दावत जन्नत दोजख से ताल्लुक़ रखती है। कबूलियत में इनाम जन्नत है और अदम कबूलियत में इसकी सज़ा जहन्नम है। और वो दावत जिसका ताल्लुक़ हिकमत से है इनको मुकर्रबीन ने कबूल किया और ये दावत अताए क़ुर्ब सफ़ाए मार्फत और इशारा तौहीद की सराहत से है।
جب ان مقربین نے اس دعوت کو قبول کر کے تلویحات حقانی، تجلیات الہی اور تعریفات ربانیہ کو پایا اور اپنی ارواح اور قلوب و نفس کے ساتھ اس کو قبول کر لیا، تو اس صورت اجابت نفوس سے مطابعت اقوال کی ہو گئی، اور اجابت قلب سے مطابعت اعمال کی ہو گئی، اور اجابت روح سے وہ مقربین صاحب احوال بن گئے۔ اس طرح اجابت صوفیہ کی بلکیہ ہے، یعنی انہوں نے اقوال و اعمال اور احوال کی مطابعت حاصل کر لی، اور غیر صوفیہ کی اجابت بلکیہ نہیں ہے بلکہ بعض ہے، بعض میں مطابعت پائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، رحم اللہ محیب لولم یخف اللہ لم یأس، یعنی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے صہیب رضی اللہ عنہ پر کہ اگر اللہ سے خوف نہ کرتا جب بھی معصیت میں مبتلا ہوتا، یعنی اگر اس کے پاس آتش دوزخ سے امان کی کتاب نہ ہوتی تو صرف معرفت الہی کی عظمت ہی اس کو اس امر پر برانگیختہ کرتی کہ وہ حق عبودیت واجبی طور پر ادا کرے، اس وجہ سے کہ اس نے حق کی عظمت کو پہچان لیا تھا۔ پس صوفیہ کی اجابت دعوت کسی اور اعتبار سے نہیں کہ بلکہ ان کی اجابت دعوت محبوب کے لیے اجابت محبت کی راہ سے ہے۔ یہ دعوت محبت لذات کا حصول اور تنگی کا دور کرنا اس کا مقصود نہیں ہے، اور غیر صوفیہ کی یہ اجابت مجاہد و مساعی سے بچنے کے لیے ہے۔ ان کی یہ اجابت دعوت ایسی ہے کہ اس کا اثر چند ساعتوں میں حقائق استقامت و عبودیت کے قیام سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ غیر صوفی عبودیت کے قیام پر استقامت صرف چند ساعتوں تک دکھا سکتا ہے، اس کو مداومت نہیں دے سکتا۔ اس حالت کا استدلال قرآن پاک سے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَأَمَّا مَنْ أَعْتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، بس جس نے دیا اور خوف کیا اور نیک بات کو سچ جانا تو قریب ہے کہ ہم اس کو آسانی سے پہنچا دیں گے، اس پر تمام امور مشکلہ کو آسان بنا دیں گے۔ بعض صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس نے دارین کو دے دیا اور کسی چیز کو نہ دیکھا اور بے فائدہ باتوں اور گناہوں سے پرہیز کیا، اور صدق بالحسنی کے معنی یہ ہیں کہ طلب قرب پر اصرار کیا، جمع رہا۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ان آیات میں ایک وجہ آخر اور بھی ہے۔ ان آیات کی تاویل اس طرح بھی کی گئی ہے، آتائے اعمال پر مواظبت کی واتقی، وساوس شیطانی اور ہوائے نفس سے پرہیز کیا، اور وصدق بالحسنہ لو سے وجود کی مزاحمت سے موارد شہود کا تصفیہ باطن کے لزوم کے ساتھ، یعنی موارد شہود جو قلب ہے اس کو لو سے وجود سے پاک کرنا، اس طرح کے باطن بھی صاف ہو جائے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس پر سہولت فی العلم و انس کے دروازے کھول دیں گے۔ وَأَمَّا مِنْ بَخْل، جس نے اعمال سے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، اور احوال سے مر گیا، وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اپنی بصیرت کے نفوس سے عالم الملکوت میں گرد پھرنے والا نہ تھا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اس پر اعمال میں ہم اپنی آسانی کا دروازہ بند کر دیتے ہیں اور تقاصل و سستی کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں۔ اس طرح ثابت ہوا کہ جب صوفیہ کرام کے نفوس و قلوب اور ارواح ظاہراً اور باطناً دعوت حق میں قبول کر لیں، قرآن کے حصہ علم میں سب سے زیادہ اور معرفت میں سب سے کامل ہوئے، اس سے ان کے اعمال بھی ازکی سب سے زیادہ پاکیزہ اور افضل ہو گئے۔ قوی الیقین اور ضعیف الیقین کی ایک مثال، حضرت معاذ راضی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور ان سے کہا کہ آپ مجھے ان دو شخصوں کے بارے میں بتائیے کہ ان کی حالت کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے، کہ ان میں سے ایک شخص عبادت سے ہر دم کوشاں، کثیر العمل اور کم گنہگار ہے لیکن ضعیف الیقین ہے اور اس کو متواتر شک لاحق رہتا ہے۔ حضرت معاذ راضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے عمل کو اس کا شک باطل کرتا ہے، تو اس شخص نے کہا کہ آپ اس شخص کے بارے میں بتائیے جو کم علم لیکن قوی الیقین ہے مگر بہت گنہگار ہے۔ یہ سن کر حضرت معاذ راضی رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، تو اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم اگر پہلے شخص کا ضعف یقین اس کے نیک اعمال کو باطل کرتا ہے تو اس کا قوی یقین رکھنے والے کا یقین ضرور اس کے کل گناہوں کو باطل و محو کر دے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت معاذ راضی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا کہ میں نے اس شخص سے بڑھ کر کسی کو فقیہ نہیں پایا، یقین عمل سے افضل ہے۔ نعمان نے اپنے بیٹے کو جو نصائح کی تھیں ان میں یہ نصائح بھی تھیں کہ اے بیٹے، عمل کی استطاعت یقین ہی کے ساتھ ہوتی ہے،
और इंसान अमल नहीं करता मगर इसी कदर जितना कि इसका यकीन है, और आमिल अमल में कसर नहीं करता जब तक कि इसके यकीन में कसर ना हो। बस यकीन इल्म से अफजल है कि इस यकीन ने इसको अमल की दावत दी, और अगर इसको अमल की दावत यकीन ना देता तो वो उबूदियत का इरादा नहीं करता, और अगर यकीन इसको उबूदियत की दावत ना देता तो वो हक जबूबियत अदा करने के लिए क़याम ना करता। बस कमाल हिफ्ज यकीन से वाबस्ता है, और इल्म भी अल्लाह सूफिया के साथ और उलमाए जाहिदीन के साथ मखसूस है। इससे इन सूफिया और उलमाए जाहिदीन का फजल और इनके इल्म की बरतरी साबित है। जाहिद आरिफ आलिम का फजल। अब मैं एक मसला की सूरत बयान करता हूँ जिससे जाहिद आरिफ आलिम का फजल अपने सिफात जाती के लिहाज से गैर जाहिद आरिफ आलिम पर जाहिर हो जाएगा। इसकी मिसाल ये है कि एक आलिम किसी मजलिस में आया और इस जगह बैठ गया जो इसके इल्म के शाया निशान थी और जिसे वो अपने लिहाज से मुनासिब मौजू जानता था। फिर एक दूसरा शख्स इसी का हमसर आया और इससे ऊंची जगह बैठ गया। जब पहले आलम ने देखा तो बड़ा जज्बज हुआ और दुनिया इसकी आंखों में तीरा उतार हो गई, और इसका बस चलता तो वो इस आलम को मार बैठता। बस ये एक आर्जा था जो उसे लाहिक हुआ और एक मर्ज था जिसमें वो मुब्तला हो गया, और इसको इसकी बिल्कुल खबर नहीं थी कि वह एक मर्ज में मुब्तला हो गया और इलाज का मोहताज है, और इसने इस तरह बिल्कुल तवज्जो नहीं की कि इस मर्ज का मंशा और असल क्या है। अगर वो जानता कि ये इसका नफ्स है जो उभरा है और अपने जहल के साथ नमुदार हो गया है, और इसका यह जहल इसके किब्र की वजह से है, और इसका किब्र इस वजह से है कि वो अपनी जात को अपने गैर से बेहतर और आला समझता है, और आलिम अव्वल ने इस किब्र के बायस ये जान लिया है कि वो अपने गैर से बहुत अफजल है। इसके इस ख्याल और इरादे को कुव्वत फेल में लाने वाली चीज तकब्बुर है। जब वो दूसरे आलिम से तंग आया तो इसके फेल से तकब्बुर पैदा हुआ, और सूफी आलिम जाहिद की हालत यह है कि वह अपने नफ्स को किसी सूरत में मुसलमानों के साथ तमीज नहीं करता, बड़ा नहीं समझता, और ना वो अपने नफ्स को मुकाम मुमताज पर फायज देखना चाहता है कि कोई इसको मखसूस मुकाम पर बैठा हुआ देखकर मुमताज समझे, और अगर बिलफर्ज इसके लिए ऐसा किया जाए ताकि इस तरह इसकी आजमाइश की जाए, और अगर वो दूसरे शख्स के इम्तियाज और तरफा से अफसुरदा होता है। नफ्स इस मर्ज को देखकर और ये समझ कर के ये मर्ज है इसके इलाज में सुस्ती और बेपरवाही करे तो यह हाल इसका गुनाह हो जाता है। इस वक्त वो फौरन अपने मर्ज को अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है और अपने नफ्स के जहूर की शिकायत इसके हजूर में पेश करता है और खूब तौबा अमल में लाता है, और इस तरह नफ्स की इस हरकत का कला कमा कर देता है और कल्ब को अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है। इसका ये इश्तगाल मर्ज नफ्स के देखने और इलाज के तलब करने से इसको निजात देता है, और वह इस फिक्र से आज़ाद हो जाता कि इसका हमसर इससे ऊंचे मुकाम पर बैठ गया, और फिर वो अक्सर इस ऊंचे बैठने वाले शख्स से तवाज़ो इनकसार से पेश आता ताकि कुफ्फारा इसके गुनाह का हो जाए। इस तरह अपने मर्ज लाहिका का इलाज करता। इस मिसाल से दोनों शख्सों का फ़र्क ज़ाहिर हो गया। बस जब इम्तियाज़ करने वाले ने इम्तियाज़ किया तो इसने अपने नफ्स का हाल इस मुकाम पर अवामुन्नास और मुनासिब दुनिया के तालिब की तरह पाया। बस अब गौर करना चाहिए कि इस शख्स में और इसमें जिसको इसका कुछ इल्म नहीं क्या फ़र्क है। जाहिर है कि दोनों का हाल यकसा है और कुछ फ़र्क नहीं। अगर हम इन अक्सर मसाइल की तमसील जिनसे जाहिदों की फजीलत और दुनिया से रगबत रखने वालों का नुकसान नुमाया है पेश करें तो कारीन के लिए बायस ज़हमत होगा। ये अमूर जो महतम बिलशान हैं, उलूमुल सूफिया के इब्तदाई खदोखाल हैं, इससे आप इनके उलूम फ़कीहिया का और अहवाल शरीफा का अंदाज़ा कर लीजिए कि वो किस मंजिल पर होंगे। कयास कुन जगस्तान मन बहार मरा। सवाब की तौफीक अल्लाह ताला ही अता फरमाने वाला है।